यस स्टूडेंट, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर फर्स्ट इन हिंदी ग्रामर। दिस इज सिक्स क्लास। ओके, सो टेक आउट योर बुक ऑफ हिंदी ग्रामर एंड टर्न टू द पेज नंबर 5। दिस इज चैप्टर 1 एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज भाषा, लिपि एवं व्याकरण। ओके, यू कैन सी। यस, भाषा, लिपि और व्याकरण। देखिए और समझिए। बच्चा रो रहा है, वह भूखा है। कवि 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 ने कविता सुनाई, श्रोताओं ने सुनकर ताली बजाई। हरी बत्ती जली, गाड़ियां चल पड़ी। देखो, चैप्टर का नाम है बेटा भाषा। भाषा, क्योंकि हम पहले भी समझ चुके हैं, भाषा का मतलब होता है लैंग्वेज। और भाषा का मुख्य उद्देश्य कहो या भाषा का माध्यम कहो, वह है अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाना। ओके, यानी मन में उठने वाले भाव या विचारों को दूसरों तक जिस माध्यम से पहुंचाया जाता है वह होती है भाषा। ठीक है, और भाषा को दूसरों तक पहुंचाने के माध्यम अलग अलग होते हैं, है ना। क्लियर, मौखिक भाषा भी होती है, लिखित भाषा भी होती है, सांकेतिक भाषा भी होती है, इस तरीके से। अब देखिए, आप फर्स्ट पिक्चर में यू कैन सी बच्चा रो रहा है। क्यों रो रहा है? बिकॉज वह भूखा है, इसलिए रो रहा है क्योंकि वो बोलना नहीं आता उसको, वह अभी छोटा है। तो वो अपनी भावों की अभिव्यक्ति कैसे करता है? रोकर, है ना। छोटे बच्चे को आप सबने देखा होगा फैमिली में कि कैसे छोटे बच्चे भूख लगते तो भी रोते हैं, है ना। या सुसु आ जाए या किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ अपना रोकर ही अभिव्यक्त करते हैं क्योंकि उन्हें बोलना नहीं आता छोटे बच्चों को, तो सारी अभिव्यक्ति किसे रो के करते हैं या हंस के। फिर कविता ने कवि कवि ने कविता सुनाई और सभी श्रोताओं को आनंद आया, इसलिए उन्होंने क्या बजाई? तालियां बजाई। फिर हरी बत्ती जली, गाड़ियां चल पड़ी। आपको पता है ट्रैफिक में 3 लाइटें होती हैं, है ना। तो ये हरी बत्ती जैसे ही जली चली तो सारी गाड़ियां चल पड़ी। ठीक है, रेड, ग्रीन और येलो, 3 बत्तियां होती है ना चौराहे पर, सबको पता है। ठीक है, रेड का मतलब स्टॉप, रुकने का, और येलो का मतलब गेट रेडी, एंड ग्रीन मीन्स गो। क्लियर, तो रेड का मतलब रुक जाना और येलो रखते ही आप तैयार हो चलने के लिए, और ग्रीन चल होते ही चले चल जाना चाहिए। तो ये ग्रीन होते ही गाड़ियां चल पड़ी। अब देखिए नेक्स्ट, उपरोक्त चित्रों को देखकर आपने क्या समझा बताइए। बच्चा क्यों रोया? क्योंकि वह भूखा था। श्रोताओं ने तालियां क्यों बजाई? क्योंकि कवि उन्होंने कवि की कविता सुनी और आनंद प्राप्त किया, है ना। गाड़ियां क्यों चली? क्योंकि हरी बत्ती जल गई थी। कौन सी बत्ती जली? हरी। ठीक है, देखो यहाँ बच्चे का रोना, श्रोताओं का ताली बजाना और बत्ती का हरी होना एक संकेत है। है संकेत, बच्चे ने रोकर अपने भूखे होने का संकेत किया तो माँ ने उसे दूध पिला दिया। श्रोताओं ने ताली बजाकर अब आनंद प्राप्त होने का इजहार किया, यानी उनको अच्छा लगा, आनंद आया, मजा आया, तो सबने क्या बजाई? तालियां। ठीक है, नेक्स्ट, हरी बत्ती ने गाड़ियों को चलने का संकेत दिया। जैसे ही ग्रीन लाइट हुई, इसका मतलब उनको संकेत मिल गया कि उन्हें चलना है, तो वो वहां से चल पड़ी। ठीक है, अब क्या देखो, क्या समझे आप इससे कि अपने
मनोभाव, मनोभाव मतलब मन में उठने वाले भाव, ठीक है, विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के माध्यम को क्या कहते हैं हम, भाषा। यही हमने सिखाया था ना स्टार्टिंग में भी, कि अपने मन के भावों को, मन के विचारों को दूसरों तक किस माध्यम से पहुंचा रहे हैं, उस माध्यम को क्या कहेंगे हम, भाषा। बोलकर, सुनकर, पढ़कर और लिखकर अपने मन भाव या मन के भावों को या मनोभावों को, विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरे की बात को समझना भाषा का मुख्य एकमात्र कार्य है। यही तो भाषा का मेन काम है। आप चाहो इंडिया में हो तो हम हिंदी बोलते हैं, और अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। अभी फॉरेन कंट्रीज में है तो वहां पर कोई इंग्लिश बोलता है ना, सबकी अलग अलग भाषा है। तो उस भाषा का मेन उद्देश्य क्या है, कि अपने मन के विचार को बता सके, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आती है, अब्रॉड कंट्री में अमेरिका जाकर आप इंग्लिश बोल सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, उनके भावों को समझ सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे ऑल वर्ल्ड में बोली जाती है, ठीक है, क्योंकि वही एक भाषा के एक तरह का अपने मन के भावों को चेंज या ट्रांसफर करने या अपने मन के भावों को समझ सकने का एक माध्यम है इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी चाहोगे तो इंडिया से बाहर हिंदी नहीं बोलेंगे। हाँ, इंडिया के जो बेसिक हैं, प्रॉपर इंडिया के ही लोग हैं और वो अब्रॉड में है, तो यू कैन स्पीक विद देम हिंदी। लेकिन अगर जो बाहर के हैं वो हिंदी नहीं बोलते, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज, जो सारी कंट्रीज में बोली जाती है। बोली का मतलब वो एक भाषा को आदान प्रदान के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे कहीं भी जाओ, जैसे नेपाली नेपाल जाओ, कनाडा जाओ, अफ्रीका जाओ, है ना, तो अगर आपको दूसरी भाषा नहीं है लेकिन इंग्लिश है, तो आप इंग्लिश के माध्यम से उनके भावों को समझ सकते हैं या अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। विशेष भाषा शब्द संस्कृत की वाच धातु से निर्मित है, यानी कि जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की वाच धातु से मिलकर बनाए, और जिसका अर्थ होता है बोलना। क्या होता है बोलना? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मनोभावों, विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के मनोभाव एवं विचार को सरलता से हम तक, दूसरों के भी मनोभाव और विचार पहुंचते हैं, ठीक है। तो भाषा और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है, भाषा, ठीक है। भाषा भावों और विचारों का आदान प्रदान का माध्यम कौन है, भाषा है, ठीक यही मेन कार्य, यानी यही मेन माध्यम है भाषा, अपने विचारों को आदान प्रदान करती है, ठीक है। देखिए एक वर्ड आया है मनोभाव। मनोभाव का मतलब मन के विचार या मन के भाव। ठीक, अब देखिए भाषा के रूप। अब भाषा के कितने रूप है, वैसे मुख्य तो भाषा के दो ही रूप है, ठीक है। कितने रूप? दो रूप है। एक तो मौखिक भाषा, जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, मुझसे बोलकर बता रहा हूँ ना आपको, तो यह हो गई मौखिक भाषा। एक होती है लिखित भाषा, जो लिख कर अभिव्यक्त करते हैं कागज पर, है ना, नोटबुक में, वो होती है लिखित भाषा। देखो, यू कैन सी इन द पिक्चर इन द स्क्रीन, ये दो व्यक्ति हैं आपस में बात कर रहे हैं, है ना, तो ये कौन सी भाषा का यूज कर रहे हैं, मौखिक, वेरी गुड। एंड ये जो कुछ लिख रहा है कागज पर, ये कौन सी भाषा है, लिखित, ठीक है, मौखिक भाषा। अब क्या है मौखिक भाषा, देखिए अभी बताया था, वापस समझते हैं हम, कि मौखिक भाषा भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा कहलाता है। इस माध्यम में बोलना और सुनना महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, है
है ना, मौखिक भाषा में बोलना और सुनना यही काम होता है, सामने वाला बोलता है आगे वाला सुनता है, इस तरह से भाषा का ये माध्यम चलता है। बोलना और सुनना भाषा का सर्वाधिक पुराना रूप, यही रूप है बेटा, क्योंकि लिखित भाषा बाद में ही हुई, मैं तो मौखिक की, जब से इंसान बच्चा बड़ा होता है फैमिली में वो लिखना नहीं सीखता है, पहले बोलना सीखता है, सीखता है ना। छोटा बच्चा आपकी फैमिली में भी है होगा या देखा होगा कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है एक एक वर्ड एक एक लेटर फिर एक एक वर्ड सीखता है, मम्मा पापा है ना, दादा दादी इस तरह से, फिर धीरे धीरे दो तीन वर्ड मिलाकर फिर सेंटेंस बनाकर सीखता है। तो पहले क्या पढ़ना लिखना सीखा क्या? नहीं ना। तो सबसे पहले पुराना जो भाषा का रूप है वो है बोलना और सुनना, या वो बोलता है हम सुनते हैं, या हम बोलते हैं वो सुनता है, तो ये सबसे पुराना रूप है। अब आता है लिखित भाषा। भाषा का वह रूप है जिसमें हम अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं। भाषा के इस रूप में लिखना व पढ़ना आवश्यक एवं एक दूसरे की पूरक प्रक्रिया है। ठीक है, लिखित रूप में क्या है देखो कि यह भाषा का वह रूप है जिसमें अपने विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं। अभी आपको ऊपर वाले चित्र में दिखाया ही था कि किस प्रकार वह अपने भाषा अपने भावों को लिख कर प्रकट कर रहा है। ठीक है, लिखना और पढ़ना इसमें एक दूसरे की पूरक प्रक्रिया है। लिपि के विकास के साथ साथ ही भाषा के लिखित रूप का विकास होता है। इसका क्षेत्र मौखिक भाषा की तुलना में सीमित है। आपको पता होगा कि लिखित भाषा जितनी यूज नहीं आती उतनी मौखिक भाषा आती है। अब देखो मैं भी आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ज्यादा बोल रहा हूँ ना, मौखिक भाषा यूज कर रहा हूँ ना, लिखित बहुत कम आती है। जहाँ बहुत आवश्यक है, जहाँ कोई चीज लिख कर समझानी अर्थ बताना वहां, बाकी मौखिक भाषा ज्यादा, इसीलिए इसका क्षेत्र सीमित है। ठीक है, किंतु वर्तमान में वर्तमान युग में भाषा का लिखित रूप भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आजकल लिखित रूप ज्यादा यूज आता है। आपको एग्जाम में मार्क्स देंगे तो ओरल नहीं मिलने वाले, मिलने वाले आपको एग्जाम में आंसर देने होंगे रिटर्न में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो हर क्षेत्र में आजकल लिखित भाषा का यूज ज्यादा हो गया है। अब आता है सांकेतिक भाषा, अर्थात संकेतों द्वारा दी गई भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। देखिए, प्राचीन काल में भाषा का यह रूप प्रचलित था, आज भी अनेक क्षेत्रों में सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे पक्षियों की चहचहाहट, उनकी प्रसन्नता का द्योतक है, यानी पक्षी जब चहचहाहट करते हैं तो किसका प्रश्न किसका प्रतीक है, वह बहुत खुश है प्रसन्न है, इसलिए स्वामी को देखकर कुत्ते का पूंछ हिलाना स्वामी के प्रति प्रेम तथा समर्पण का द्योतक है। कुत्ता पाला हुआ है उसका स्वामी आ जाता है तो पूंछ हिलाने लगता है, इसका मतलब उसके प्रति प्रेम करता है, उसके लिए समर्पण है वो। फिर बड़े शहरों में ट्रैफिक का नियंत्रण और स्वचालित संकेतों का किया जाता है। जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनमें जो ट्रैफिक जो कंट्रोल किया जाता है वो ऑटोमेटिक द्वारा किया जाता है, मतलब स्वचालित संकेतों द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्लियर? आरव अग्रवाल, यस सर। यस नाउ रीड बेटा, वेट, यस रीड दिस फ्रॉम हियर। बच्चा रो रहा है, यस बच्चा रो रहा है, बच्चा क्यों रो रहा है? नो नो हियर पिक्चर्स के नीचे जस्ट, बच्चा रो रहा है वह भूखा है। नेक्स्ट बच्चा रो रहा है, वह भूखा है। कवि ने कविता सुनाई, हाँ श्रोताओं ने गुड, सुनकर ताली बजाई, नेक्स्ट हरी बत्ती जली, गाड़ियां चल पड़ी। वेरी गुड, आगे। नो बच्चा क्यों नो नो उपरोक्त, लोक चित्रों को देखकर आपने क्या समझा बताइए? बच्चा रोया, क्यों लोया? क्योंकि वह था, भूखा था। ठीक है, ओके, भूखा था। हाँ
श्रोताओं श्रोताओं ने तालियां क्यों बजाई? क्योंकि उन्होंने कवि की कविता सुनी। वेरी गुड। गाड़ियां क्यों चली? क्योंकि हरी बत्ती हरी बत्ती जल गई थी। ठीक है, यहाँ यहाँ बच्चे का लोन देता जोता हो का ताली बजाना ताली बजाना और बत्ती को का हरा होना एक संकेत है। वेरी गुड गुड। ठीक है, यस गौरी। सो योर वॉइस इज नॉट क्लियर। गौरी नाउ यस यस हाँ नाउ रीड फ्रॉम हियर। यहाँ बच्चे का रोना यहाँ रीड करो। यहाँ बच्चे का रोना, श्रोताओं का ताली बजाना और बत्ती का हरा होना एक संकेत है। बच्चों ने रोककर अपने भूखे बच्चे ने रोककर अपने भूखे होने का संकेत किया। यस, श्रोताओं ने तालियां बजाकर आनंद प्राप्त होने का इजहार किया। ठीक है, अपने भावों की अभिव्यक्ति दी। इजहार किया का मतलब अपने अभाव बताए। ठीक है, इजहार करना मतलब बताना, क्लियर, प्रकट करना। गॉट इट? तनिक सिंगल, सर माय स्क्रीन इज नॉट क्लियर। वेट, नाउ तनिश, नाउ क्लियर सर। यस, रीड दिस। हरी बत्ती ने गाड़ियों को चलने का संकेत दिया अपने मनोभावों एवं वेट। Read slow बेटा, don't read speed. हरी बत्ती ने गाड़ियों को चलने का संकेत दिया अपने मनोभावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहती है। बोलकर, सुनकर, पढ़कर एवं लिखकर अपने मनोभावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाना एवं दूसरों की बात को समझना भाषा का मुख्य एवं एकमात्र कार्य है। स्टॉप, गुड, स्टॉप, गुड, वेरी गुड। बस आपको ध्यान रखना, पढ़ना आपको अच्छे आता है, वेरी गुड, बट आपको कोमा और विराम का ध्यान रखना है। जहाँ पर कोमा लग रहे हैं देन यू हैव टू स्टॉप, थोड़ा सा रुकना है, स्टॉप। ठीक है, जैसे कैसे, बोलकर, सुनकर, पढ़कर एवं लिखकर अपने मनोभावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुँचाना एवं दूसरों की बात को समझना भाषा का मुख्य एवं एकमात्र कार्य है। लाइक दिस, गॉट इट? ओके सर, ओके, थैंक यू, गुड, यस, ओके। सो नेक्स्ट वी विल बी कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट सेशन।